माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर, और मैं आपको LLB 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड पेपर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ाऊंगी। यूनिट 1 में क्या सिलेबस है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर और प्रपोजल, डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, जनरल स्पेसिफिक ऑफर, इन्विटेशन ऑफ ट्रीट, एक्सेप्टेंस, डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, टेंडर, ऑक्शन। ये यूनिट 1 का आपका सिलेबस है। आज आपको लेक्चर 1 दिया जाएगा, तो लेक्चर 1 में कौन सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना जा रहे हैं उस क्वेश्चन को भी बताते हैं कि यूनिट 1 में लेक्चर 1 में आपको कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टेट द मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ एन वैलिड ऑफर। व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड जनरल ऑफर, कि वैध प्रस्ताव क्या होते हैं, प्रस्ताव और साधारण प्रस्ताव में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन कब कब किस किस साल आया, किस हिसाब से आया, ये भी आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को देख लें कब कब आया। 2013 में आया है। स्टेट द मीनिंग एंड सेंटेंस ऑफ एन वैलिड ऑफर। व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड जनरल ऑफर। विधिमान प्रस्ताव का अर्थ एवं आवश्यक तत्वों को बताइए। प्रस्ताव एवं समान प्रस्ताव में क्या अंतर है। तो 2013 के पहले लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में क्वेश्चन आया। अब उसके बाद ये क्वेश्चन कब आया ये भी आपको बता दें कि दोबारा ये क्वेश्चन कब रिपीट हुआ। 2014 में शॉर्ट नोट में आया है, शॉर्ट नोट नंबर 2 जनरल ऑफर में। उसके बाद 2015 में लॉन्ग क्वेश्चन में हाफ में लिया गया है। डिफाइन एन ऑफर, व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स। प्रस्ताव को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। उसके बाद फिर से ये रिपीट हुआ है आपके 2016 में शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 में, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर, समान प्रस्ताव एवं विशिष्ट प्रस्ताव। और उसके बाद 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 ये रिपीट दोबारा हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल ऑफर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, एक्सप्लेन। तो ये फिर से रिपीट हुआ 2017 में, हाफ में रिपीट हुआ है, समान प्रस्ताव से क्या समझते हैं। तो उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन आया है, दोबारा रिपीट हुआ है शॉर्ट नोट्स में। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में के रूप में और लॉन्ग में दोनों में आता रहता है। और लॉन्ग में आया है 2018 में कि डिस्कस इन ब्रीफ द रूल्स रिगार्डिंग ए लॉफुल ऑफर, हाउ जनरल ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिफिक ऑफर, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 है 2018 का। विधिपूर्ण प्रस्ताव संबंधी नियमों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। विनिर्दिष्ट प्रस्ताव से संबंधना सामान्य प्रस्ताव कैसे भिन्न है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टेट द मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ एन वैलिड ऑफर। व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड जनरल ऑफर। तो समान प्रस्ताव, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व बताइए, समान प्रस्ताव और प्रस्ताव में क्या अंतर होता है। तो आंसर किस पे बेस्ड है, सबसे पहले याद रखना है प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज़ है। प्रपोजल ऑफर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A में। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टू पार्टीज है। द ऑफर शुड मेक द प्रपोजल सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। इंपॉर्टेंट केस जो डिस्कस किए गए हैं, लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त, बालफोर वर्सेज बालफोर, लेडी कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और टाइप ऑफ प्रपोजल हैं, तीन तरीके के टाइप्स बताए गए हैं, जनरल प्रपोजल, स्पेसिफिक प्रपोजल और क्रॉस प्रपोजल। अब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रपोजल और ऑफर। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मेकिंग ऑफ द प्रपोजल। एट लीस्ट टू पर्सन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, ए पर्सन टू मेक द प्रपोजल एंड द अदर पर्सन टू एक्सेप्ट इट। The word proposal has been defined in section 2A of the Indian Contract Act 1872. कह रहा है कि सबसे पहले संविधान के निर्माण का पहला कदम क्या है, प्रस्ताव को रखना, प्रपोजल को रखना, और उसमें कम से कम दो पक्षकार होते हैं, जो एक प्रपोजल करता है और दूसरा उसको स्वीकार करता है। अब प्रपोजल शब्द को कहाँ डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है।
तो प्रपोजल में क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो भी याद रखिए. ए प्रपोजल टू बी ए वैलिड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट. एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड. इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट. बिसाइड द अबव एसेंशियल एलिमेंट इट विल आल्सो बी नेसेसरी टू कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेटिंग टू प्रपोजल. जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर एंड इन्विटेशन ऑफ ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर. ये क्या कह रहा है कि हर प्रपोजल में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से? कि हर प्रपोजल को, हर प्रस्ताव को सूचित किया जाना आवश्यक है. इसका मतलब जब भी हम किसी के साथ प्रपोजल करें, हम दूसरे वाले व्यक्ति को जिसके साथ प्रपोजल कर रहे हैं उसको सूचना ज़रूर दे दें. इस प्रपोजल का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? लीगल रिलेशन को क्रिएट करना होगा. प्रपोजल कैसा होना चाहिए? ऑफर प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए. और कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, कितने तरीके के प्रपोजल बताए गए हैं, क्या बोला गया है? तो समान और विशिष्ट प्रस्ताव, प्रस्ताव और आमंत्रण के लिए प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर, इनकी बात की गई है. अब लीगल रूल्स एज टू ऑफर. लीगल रूल्स क्या होते हैं ऑफर के लिए, ये भी आपको बता दें. इट मस्ट बी इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. इट मस्ट बी सर्टेन. इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू मेक ऑफर. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द ऑफरी. इट मस्ट नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लाइंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. तो बता रहा है कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए. और ये क्या होता है कि जब तक अगर किसी को केवल प्राइस बता दें तो वो ऑफ़र की कैटेगरी में नहीं आएगा, और बिना पैसों के इसको प्रपोजल को पूरा नहीं माना जाएगा कि प्रपोजल पूरा हो गया जब तक आप अमाउंट क्लियर नहीं बता रहे हैं. तो एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड. हर प्रस्ताव को सूचित किया जाना आवश्यक है. तो डेफिनेशन ऑफ द प्रपोजल इज एज नोटेड अबव बिगिंस विद द वर्ड व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर दैट इज टू से ए प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेशन हाउ एवर नीड नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस एंड नीड नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स. फॉर सेक्शन 9 प्रोवाइड्स इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेट टू बी एक्सप्रेस. इन सो फार एज सच प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेट टू बी इम्प्लाइड. तो ये क्या बता रहा है कि जो प्रपोजल होगा वो कम्युनिकेट किया जाएगा, और जब तक प्रपोजल को कम्युनिकेट नहीं किया जाता है प्रपोजल नहीं आएगा माना जाएगा. प्रपोजल कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है? एक्सप्रेस भी, इम्प्लाइड भी. एक्सप्रेस का मतलब होता है, सेक्शन 9 कहना चाहता है कि लिखित रूप में भी हो सकता है, और इम्प्लाइड का मतलब होता है कंडक्ट ऑफ पार्टीज की पक्षकारों के व्यवहार से पता चले तो उसे इम्प्लाइड प्रपोजल को भी प्रपोजल मान लिया जाएगा. तो यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया गया, प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ इंटेंड टू बी मेड. सेक्शन 4 देयरफॉर प्रोवाइड्स दैट द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कम्प्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड. सेक्शन 4 डायरेक्टली कह रहा है कि प्रपोजल अगर उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसके लिए बनाया गया था तो माना जाएगा प्रपोजल पूरा हो चुका है. और इसी पे रेफरेंस में भी मेड हेयर टू ए वेल नोन इलाहाबाद केस, नेमली लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त इलाहाबाद का एक फेमस केस बताया जा रहा है. उस केस को आपको बता दूं कि जो पहले आपको जनरल चीज़ें बता दूं कि जो केस में पहले आता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं, जो बाद में आता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं. तो यहाँ पर डिफेंडेंट कौन है? गौरी दत्त है. और गौरी दत्त का भतीजा घर से कहीं चला जाता है और वो अपने सर्वेंट को लालमन को उसको खोजने के लिए भेज देता है. और उस बाद में जब लालमन चला जाता है तो 501 रुपये का इनाम डिक्लेरेशन कर देता है कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसे 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा. लेकिन ये जो ऑफ़र होता है ये लालमन को नहीं पता होता है. वो उसे ढूंढ के ले आता है, और जब जैसे ही उसे ऑफ़र का पता चलता है वो क्लेम करता है. लेकिन ये कहा जाता है कि उसको कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं था, इसीलिए वो अवार्ड पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि प्रपोजल उसके साथ पूरा नहीं हो पाया था. कम्युनिकेशन का स्टेप जो प्रपोजल का था, एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेट, ये पूरा नहीं था, इसीलिए वो अवार्ड का हकदार नहीं है. तो द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ ए वैलिड प्रपोजल इज दैट इस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कम्प्लीट व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू होम इट इज़ मेड. तो द प्रपोजल नंबर 2 पॉइंट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं. द प्रपोजल मस्ट बी मेड
विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि प्रपोजल कैसा होना चाहिए, लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने वाला होना चाहिए और उसका आशय क्या हो, संविदा का निर्माण करना हो, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करना होना चाहिए। इट इज़ नॉट सफिशियंट दैट द प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड, इट इज़ आल्सो एसेंशियल दैट इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फादर वाइल गोइंग आउट ऑफ स्टेशन प्रोमिस टू हिज डॉटर टू ब्रिंग ए कैमरा फॉर हर, इट कैन बी सेट टू बी ए वैलिड प्रपोजल, इट कैन नॉट बी सेट टू बी ए वैलिड प्रपोजल बिकॉज ही डज नॉट इंटेंड टू बाइंड हिमसेल्फ लीगली नॉर डज ही मेक इट विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ हिज डॉटर। ए वैलिड प्रपोजल इज दैट विच इज मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अनदर एंड इज मेड विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। एन इलस्ट्रेटिव इंग्लिश केस ऑन द पॉइंट इज बालफोर वर्सेज बालफोर। इन दिस केस द डिफेंडेंट वॉज एम्प्लॉयड इन सिलोन, ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ वेंट टू इंग्लैंड टू इन्जॉय द लीव। एट द एक्सपायरी ऑफ लीव वेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न टू सिलोन, हिज वाइफ वॉज एडवाइज टू रिमेन इन इंग्लैंड ऑन अकाउंट ऑफ हर हेल्थ। बिफोर रिटर्निंग टू सिलोन ही प्रोमिस टू पे $30 एवरी मंथ टू हिज वाइफ फॉर हर मेंटेनेंस। ही सेट द अमाउंट फॉर सम टाइम बट सबसिक्वेंटली ही स्टॉप इट एज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन them led to their separation, since by the time of separation the said allowance had fallen into arrears. The wife brought an action to recover the arrears, her action was dismissed by the court. तो आपको पॉइंट टू में पहले ही क्लियर कर दिया गया कि जो भी प्रपोजल होगा वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए बनाया जाएगा और उसका एक ही इंटेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट को बनाना। किसी प्रपोजल को केवल कम्युनिकेट ही करना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप को वह क्या किया जाए, उत्पन्न किया जाए, पैदा किया जाए, विधिक संबंध स्थापित किए जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई पिता आउट ऑफ स्टेशन जाता है और अपने बेटे को कहता है कि मैं आपको कैमरा ला के दूंगा, और ये वैध प्रस्ताव नहीं है, ना उसका ना उसकी बेटी का कोई भी संबंध क्या है, विधिक संबंध स्थापित करने का नहीं था। इसी में एक फेमस केस को मैंने आपको बताया था, उसको एक्सप्लेन भी कर दें कि जो डिफेंडेंट है वो सिलोन में नौकरी करता है और इंग्लैंड में छुट्टियां बिताने के लिए अपनी वाइफ के साथ जाता है। जब छुट्टियां ख़त्म होने लगती हैं तो वो रिटर्न कर लेता है सिलोन, लेकिन उसकी वाइफ बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर उसे एडवाइस देते हैं कि आप वहीं पर रुक जाइए। तो वाइफ की तबीयत जब ख़राब होती है तो ये अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर देते हैं कि आप यहाँ पर रुके रहो और मैं आपको $30 हर मंथ आपकी भरण पोषण के लिए भेजता रहूँगा। कुछ समय तक वो पैसा भेजता भी है, बाद में कुछ समय बाद वो पैसा भेजना बंद कर देता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होते हैं, दोनों लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद उनका कह सकते हैं कि सेपरेशन हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। तो वाइफ़ पत्नी उस समय तक के लिए, जितने समय का इन्होंने पैसा अदा नहीं किया होता है, उसको रिकवर करने के लिए, उसको वसूलने के लिए वाद लाती है और इस वाद को न्यायालय खारिज कर देता है, डिसमिस कर देता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय एक ही बात बोलता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं पक्षकारों के बीच में जो संविदा को स्थापित करने के लिए नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन पार्टी का नहीं था, इसीलिए इसको केस को कोर्ट क्या करती है, डिसमिस कर देती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। जो प्रपोजल होगा वो सर्टेन होगा और डेफिनेट होगा। बिसाइड द अबव टू एसेंशियल्स ए प्रपोजल मस्ट आल्सो बी सर्टेन एंड डेफिनेट। तो ये क्या है कि हमेशा इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा, इन दो कौन से एलिमेंट हैं कि पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और दूसरा कौन सा एलिमेंट था, द प्रपोजल मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशंस इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन दोनों के अलावा, द प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। प्रपोजल कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जितना भी निश्चित और स्पष्ट होगा उतनी जल्दी प्रस्ताव को स्वीकार किया जा, समझ में आ जाएगा, सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को समझ लेगा। अब प्रपोजल को भी दो तरीके से भागों में बांटा गया, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है विशिष्ट प्रस्ताव। इट इज़ स्पेसिफिक व्हेन इट इज़ मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। तो विशिष्ट प्रस्ताव क्या होता है, एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए बनाया जाता है और जब वो व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, सूचना दे देता है। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रस्ताव एक ही व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। जो जनरल ऑफर होता है, जनरल ऑफर व्हेन इट इज़ मेड
टू द वर्ल्ड एट लार्ज इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन इट इज़ बेस्ड ऑन द फेमस केस ऑफ लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1983 इंडियन क्वीन बेंच 256। तो जनरल ऑफ़र क्या बताता है, जनरल ऑफ़र पूरे संसार के प्रति किया जाता है और इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें फेमस लीडिंग केस कौन सा है, लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1983 का है, इंडियन क्वीन बेंच 256 का है। इसका आपको केस का आपको फैक्ट भी बता दें कि हुआ क्या इस केस में, कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो डिफेंडेंट है और लेडी कार्लिल जो प्लेंटिफ है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक कंपनी है, प्रोप्राइटर है, वेंडर हैं, और उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि उन्होंने इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी की दवा बना ली है और जो भी उस मेडिसन को उनके बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार यूज़ करेगा, उसके बावजूद भी अगर उसको बीमारी हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी, तो उनसे 100 पाउंड देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी अपने इस प्रपोज़ल को बहुत गंभीरता से ले रही है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 1000 पाउंड क्या किए हैं, बैंक में जमा कर दिए हैं। जो प्लेंटिफ हैं, जो लेडी है, लेडी कार्लिल, वो बताई गई प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, बताई गए डायरेक्शन के अनुसार दवाई को यूज़ करती हैं, उसके बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो जाती है। जब बीमारी हो जाती है तो ये क्लेम करती हैं कि इन्हें 100 पाउंड दिए जाएं, क्योंकि कंपनी ने ऐसा डायरेक्शन दिया था कि अगर कोई दवाइयों को यूज़ करेगा उसके बावजूद भी अगर बीमारी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, उसे कंपनसेट करेंगे। तो बाद में कंपनी ने तर्क रखा कि उनको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया है, तो कोर्ट ने भी कहा था, द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट इन एडवर्टाइजमेंट केस एन ऑफर मे बी मेड टू द होल वर्ल्ड बट इट बिकम ए प्रॉमिस ओनली व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड बाय एज सर्टेन पर्सन। कोर्ट ने भी पॉइंटेड कहा कि जब विज्ञापन वाले केसों में क्या देखा जाता है कि ऑफ़र पूरे संसार से, प्रस्ताव पूरे संसार से किया जाता है, और ये वचन तब बन जाता है जब कोई व्यक्ति क्या करता है, इसको स्वीकार कर लेता है एक निश्चित व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कंपनी का दायित्व बन जाता है। तो न्यायालय ने क्या कहा कि लेडी कार्लिल को कंपनसेट किया जाना चाहिए और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी पूरी तरीके से लायबल है, उनको कंपनसेशन दिया जाए, जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने प्रॉमिस किया है अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी। क्रॉस प्रपोजल क्या है, इन दिस सिचुएशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्रिएट। तो क्रॉस प्रपोजल का मतलब होता है एक व्यक्ति प्रपोजल करे और दूसरा व्यक्ति फिर प्रपोजल करे, उस प्रपोजल को क्रॉस प्रपोजल कहते हैं, और ये क्रॉस प्रपोजल जो होता है कभी भी वैध संविदा का निर्माण नहीं करता है। लेक्चर वन में आपने जिस क्वेश्चन को पढ़ा वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए कि मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑफ़र एंड जनरल ऑफ़र। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया और प्रपोजल को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी ऑफ़र करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। हर प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाएगा और इसके लिए लीगल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो प्रपोजल होगा वो सर्टेन और डेफिनेट होगा। जो इम्पॉर्टेंट केस आपको डिस्कस किए गए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बालफोर वर्सेस बालफोर, लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और आपको प्रपोजल के टाइप भी बताए गए कि जनरल प्रपोजल क्या होता है, स्पेसिफिक प्रपोजल क्या होता है और क्रॉस प्रपोजल क्या होता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि जो प्रपोजल हैं वो दो तरीके के हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक प्रपोजल क्या करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, और जो जनरल ऑफ़र होता है वो सभी लोगों के लिए पूरे संसार के प्रति किया जाता है, जैसे लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में कहा गया था। और जो क्रॉस प्रपोजल होता है वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बनाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं करता है। तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तीनों याद रखने हैं कि प्रपोजल को क्या होना चाहिए, प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाना ज़रूरी होता है, लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए, प्रपोजल सर्टेन एंड डेफिनेट होगा, प्रपोजल के टाइप्स बताए गए, स्पेसिफिक ऑफ़र, जनरल ऑफ़र और क्रॉस प्रपोजल के बारे में भी आपको बताया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है, आप इसको दोनों तरीके से तैयार करेंगे। जब आप इसे लॉन्ग में तैयार करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये अपने आप तैयार हो जाएगा। तो लेक्चर 1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है।